नमस्ते, मेरा नाम है हिरण लाल और मैं हूँ दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। मेरे हिरण के सालों कपड़े देखकर आप लोगों को तो अंदाजा हो चुका होगा कि उज़्बेकिस्तान में ना बड़ी ठंडी आ गई है। कल पूरे उज़्बेकिस्तान में बारिश हुई और आज मैं नए डेस्टिनेशन पर पहुँचा हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और ये मेरा नाश्ता लग चुका है पूरे उज़्बेक स्टाइल में। आपको डिटेल में दिखाता हूँ। ये लो माशाल्लाह, उज़्बेकिस्तान का नाश्ता बहुत ही अच्छा होता है। ये अंडा फ्राई, टमाटर, पनीर और ये यहाँ का नान, इसको यहाँ के उच्चारण में नॉन बोलते हैं। ये कुछ मुरब्बा है और ये अंगूर है और ये चीनी और ये चाय। ऐसे ठंडे मौसम में ना चाय बड़ी अच्छी लगती है। ऐसे आप लोगों को एक ख़ास बात बता दूँ कि मैं इस गेस्ट हाउस में इस समर में भी आ चुका था। इस समर में आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं उज़्बेकिस्तान आया था और हाँ, मैं इसी गेस्ट हाउस में रुका था और मुझे नहीं पता था कि मात्र 3 महीने में इतनी जल्दी मेरा वापसी हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन जो भी हो, अच्छा लगता है आप पुरानी जगह को वापस आते हो, वहाँ के लोगों को याद करते हो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, बड़ी ठंडी है दोस्तों। नाश्ता ख़त्म करके आज मैं अपने सिटी बुखारा से थोड़ा बाहर स्थित एक मेमोरियल कम्प्लेक्स में आ गया हूँ। बहुत ठंडी होने की वजह से आसमान भी देख सकते हो, ऐसा लगता है कि दुनिया ख़त्म होने के एक दिन बाद का आसमान शायद ऐसा दिखता होगा। और इस यहाँ पे परिसर में मेरे अलावा कोई नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छा तो यह है कि बारिश नहीं हो रही। मुझे ना बारिश से नफरत है। आसमान कैसा भी रहे, बस बारिश ना होनी चाहिए। चलो मैं अंदर चल के आप लोगों को इसका नज़ारा दिखाता हूँ। ये है अंदर के परिसर का पूरा नज़ारा। सदियों पहले बनाया गया यह परिसर एक कहा जाता है कि किसी इस्लामिक संत का मकबरा है। वाह, पूरा भूल भुलैया जैसे बनाया है। आज शायद मौसम की वजह से यहाँ सफाई कर्मचारियों के अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा। एक दरवाज़ा है, दरवाजे के अंदर चलते हैं। कौन सी चीज़ें हैं? अरे यार, ये क्या आ गया, मैं कब्रिस्तान पे आ गया। कब्रिस्तान से याद आया कि मैं जब हैदराबाद में घूम रहा था ना, तो वहाँ पे भी इस तरह का एक कम्प्लेक्स है, आदिल शाही कम्प्लेक्स करके, तो वहाँ पर भी इस तरह के कब्र देखने को मिलते हैं। वो जगह याद आ गई मुझे और कहीं ना कहीं यह स्ट्रक्चर मिलता जुलता भी है। वाह, इसके अलावा सामने तो दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि शायद यहाँ के शैली में निर्मित मस्जिद होगी। और ये भवन ही इस परिसर का मुख्य भवन है और उसके बगल में ये खूबसूरत सा पेड़। आसमान की वजह से थोड़ा डरावना लग रहा है आज। ये जो मेन बिल्डिंग है और ये मेरे पीछे के पेड़ हैं और आप सामने देख सकते हो, इन्होंने पन्नी से कुछ बनाया हुआ है। क्यों बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर जाने पर ठंडी काफ़ी कम हो जाती है। वाह, देखो अंदर मेरे अलावा एक और प्राणी मोर भी मौजूद है। कितना सन्नाटा है यार, एकदम अजीबोगरीब सा माहौल है आसमान के रंग के साथ। दूसरे परिसर की ओर कदम बढ़ाते हैं, क्या लिखा होगा। वाह, परिसर का दर्शन ख़त्म करके अगर आप पीछे मुड़ते हैं तो इस तरह से एक भूल भुलैया जैसा रास्ता शुरू हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि ये रास्ता सीधे बाहर की तरफ ले जाता है। इसके बदले हम दिशा बदल कर आगे की तरफ बढ़ेंगे। इस मकबरे के दरवाजे से शुरू होकर आगे की तरफ जाने वाला ये रास्ता और इसके बगल में आराम करने की एक जगह बनी हुई है जो कि अभी बंद है। चलते चलते एक भवन के अंदर आ गया हूँ। बाहर बड़ी ठंडी है लेकिन अंदर सही है भाई। ये सही है, यहाँ पे हवा नहीं आती।
थोड़ी देर पहले बताई हुई जगह के करीब आ गया हूँ। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर भी शायद वही मुझे लगता है भैया, हाँ कब्रिस्तान ही है। कोई भी नहीं है, लेकिन अच्छा हो कि एटलीस्ट यहाँ पे सफाई कर्मचारी तो हैं जिनकी वजह से कुछ तो आवाज़ आ रही है। इंडिया में जब ट्रैवल कर रहा था ना, तो गुजरात हैदराबाद में भी इस तरह के बहुत सारी जगह देखी है। मुझे पता है, चाहे हवा कितना भी ठंडा हो, चाहे कितनी भी बारिश हो, चाहे कितनी भी बर्फ़ क्यों ना पड़े, लेकिन कोई भी चीज़ भी ना मेरे दिल के घूमने की इच्छा को ठंडा नहीं कर सकती। यही वजह है कि अभी मैं उज़्बेकिस्तान में इस परिसर में घूम रहा हूँ। हवा तो ठंडी है ही, लेकिन इसमें भी एक मज़ा है। एक ऐसी जगह जहाँ पे मेरे अलावा कोई ना हो, उस जगह को एक्सप्लोर करने का जो मज़ा होता है ना, ये किसी और चीज़ में नहीं है। मैं इस जगह के अंदर आ गया हूँ। अंदर तो वही एज एक्सपेक्टेड कबर ही है। लोगों के कहा जाता है कि संतों की कबर है, और ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे इसके बगल में यहाँ पर फिर से एक दरवाज़ा शुरू हो जाता है। अंदर चढ़ के देखें तो ये चकाचक रास्ता शुरू हो जाता है, और इस चकाचक रास्ते के अंदर क्या होगा देखते हैं। वाह, आसमान का रंग तो देखो कितना शानदार है। तो इस रास्ते के अंत तक आ गया हूँ। एक पेड़, मुझे पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि पेड़ों की ना एक खास बात यह है कि वातावरण और मौसम के हिसाब से हर एक जगह को ना अलग अलग वातावरण बनाने में मदद करता है। जैसे देखो, इस पेड़ के सारे पत्ते गिर गए और पीछे वाले पेड़ के पत्ते बचे हुए हैं, और आज के आसमान के रंग के साथ ना ये जगह को थोड़ा डरावना बना रहा है, लेकिन मुझे ऐसा डरावना माहौल भी अच्छा लगता है। ये यहाँ का शेष माथा है, और ये वही पेड़ है जिसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया। इसके सामने भी एक छोटा सा दरवाज़ा है। भाई दरवाजे को कैसे जाने दूँ, चलो भाई अंदर चलते हैं। अंदर क्या है, क्यूरियस ही हो रही है। चलो भाई अंदर चल के, एज एक्सपेक्टेड कबर। वैसे आज के आसमान ने ना कमाल मचा दिया। ये जगह आपको तो बताइए कि कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान की सैर करते समय इस तरह का आसमान, इस तरह का मौसम ज़्यादा सूट करता है। थैंक यू आसमान मेरे लिए इस तरह अपना रुख बदलने के लिए। दूर से परिसर का मुख्य भवन नज़र आ रहा है, और यह दो बड़े बड़े ताबूत, और इसके पीछे भी एक पेड़ और इमारत आप देख सकते हो। अभी मैं थोड़ा आराम करने बैठ गया हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह पर किसी ने एक अच्छी सी कुर्सी बनाई है, आप लोग देख सकते हो। बस आराम करना भी हो गया, और पूरे परिसर की सैर भी हो गई। बड़ी ठंडी है भाई, अब मैं परिसर से निकाल के गर्म कुछ खाने जा रहा हूँ। हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले नाश्ता किया है, लेकिन लोगों ने रिकमेंड किया कि यहाँ पे एक ऐसा तंदूरी रेस्टोरेंट है जहाँ पे मुझे अवश्य जाना चाहिए। मैं वहाँ जाके आप लोगों को खाना दिखाता हूँ। अरे वाह, सड़क पर देखो सोती बिल्ली कितनी प्यारी है। वैसे
अब सड़क का नज़ारा देखो, उज़्बेकिस्तान में सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है जिसकी वजह से पूरा सड़क खाली पड़ा हुआ है, सन्नाटा ही सन्नाटा। लगभग 10 मिनट चलने के बाद मैं उस रेस्टोरेंट में आ गया हूँ। शायद मैं पहला गेस्ट हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, और मैंने खाना ऑर्डर कर दिया। खाना मेरे सामने हाजिर है। ये देखो, ये मटन तंदूरी है, और ये यहाँ के सालाद, और ये यहाँ के नान जो कि हमेशा देखने को मिलता है। इस जगह की मैंने बहुत तारीफ सुनी है, चलो खा के देखते हैं, अकेले बंदे के लिए इतना काफ़ी होगा। तो इसको खा लिया, मज़ा है इसको। मुझे तो मटन हमेशा से ही पसंद है, और मटन को चाहे आप कैसे भी पकाओ, इसको फ्राई करो, रोस्ट करो, कढ़ाई के साथ खाओ, कैसे भी खाओ, मटन मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। और उज़्बेकिस्तान की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे मटन आपको हर जगह इजीली मिल जाएगा। मज़ा आ गया। तो मेरे हिरण के छलों, खाना ख़त्म करके अभी मैं टैक्सी पकड़कर शहर के बीचों बीच वापस आ गया हूँ। जैसे हर एक सिटी का एक सेंटर होता है, दिल्ली का सेंटर सीपी होता है और मुंबई का सेंटर क्या है, सीएसटी, वैसे उज़्बेकिस्तान के इस बुखारा नामक सिटी की भी एक सेंटर होता है जिसको यहाँ की भाषा में लियाबी हाउस बोलते हैं। हाँ, यहाँ की खासियत यह है कि पीछे एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है, और मैं यहाँ समर में भी आया हूँ, यहाँ पे मैंने लाइव भी किया था, और ये उज़्बेकिस्तान में मेरा फेवरेट प्लेस है, क्योंकि ना यहाँ पे दिन को आओ, दोपहर को आओ, शाम को आओ, रात को आओ, किसी भी समय पर आओ, माहौल बड़ा अच्छा होता है। ये देखो कहीं से गाने की आवाज़, और पीछे एक विशाल सा भवन। ठंडी बढ़ती जा रही है तो मैंने एक गमछा ले लिया, ये पहनकर मुझे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। सही है भाई, गमछे का पावर। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे बाज़ार लगा हुआ है। मैंने तुर्की में भी और उज़्बेकिस्तान में भी, जब भी मैं किसी ठंडे देश में जाता हूँ ना, तो कोरिया से इसको ले जाना भूल जाता हूँ, और वहाँ से ये मफलर गमछा ख़रीदता हूँ। वैसे शॉपिंग करने वाला बंदा तो हूँ नहीं, लेकिन आज का शॉपिंग तो मुझे लगता है यहाँ पे हो गया। इस तरह से चलते चलते सामने एक विशाल सा भवन दिखाई दिया जिसके नक्काशी काफ़ी खूबसूरत है, देखने लायक भी है, और इसके अंदर से लोग आ रहे हैं। ये जगह सिटी के केंद्र में होने के कारण यहाँ पे तो भीड़ नज़र आ रही है। वाह, अंदर आकर देखा तो केवल यादगार चीज़ें बेचने की दुकानें ही नज़र आ रही है। पहले यहाँ पे छात्र रहते थे, रहकर तालीम की हासिली करते थे, लेकिन आजकल कोई नहीं है। अंदर तो कुछ खास नहीं था तो मैं बाहर आके बैठ गया। यहाँ पे थोड़ी हवा तो चल रही है, लेकिन इसके हिसाब से सही लग रहा है। और मेरे पीछे ये मस्जिद और बच्चों की पार्टी बच्चों की पार्टी गई है। कितना शानदार है। तो मेरे हिरण के दावेदारों, अपने रूम में थोड़ा आराम करने के बाद शाम की सैर के लिए निकला हूँ, और हमारे होटल से बस 5 मिनट की पैदल दूरी पर यहाँ दो तरफा इतने शानदार रूप से बनाए गए पुराने ज़माने के मदरसा हैं। अभी तो प्रयोग में नहीं है, अंदर कुछ वो चीज़ें वगैरह बिकती हैं, लेकिन इसका बीव, इसका माहौल मुझे बहुत पसंद है। मैं समर में भी यहाँ पर आया था, और यहाँ से एक तरह का बाज़ार शुरू हो जाता है, और इसके भी बाद में ये नक्काशियों से सजी हुई दीवार बहुत सुंदर है। वाह, इस तरह से मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ पहुँच गया मैं, मेरे साथ चलते चलते सुबह की जगह पे है। हाँ, सुबह आप लोगों को जो जगह दिखाई थी, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि यहाँ का माहौल रात को बन जाता है। वाह, वैसे ही
कितना सुंदर है यार ये सड़क, किसी यूरोप के खूबसूरत सड़क से कम नहीं है, मजा आ गया। इस तरह मेन रास्ते से चलते हुए प्रवेश करेंगे तो बगल में वो शानदार इमारत एंड उसके भी बगल में ये तालाब जो मैंने दोपहर को आप लोगों को दिखाई थी, वाह। और कहीं से ट्रेडिशनल म्यूजिक भी बज रहा है, कितना अच्छा नज़ारा है। यही वजह है कि मैं इस देश में दो बार आ गया। इस तरह थोड़ा सा चढ़ने के पश्चात मैं एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए बैठ गया। दिन की समाप्ति के लिए बियर से अच्छी चीज़ तो हो ही नहीं सकती, तो बियर पीते हुए आज के सारे दिन की थकान को दूर करने की कोशिश जारी है। मेरा खाना आ गया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं दिन में 3 बार नॉनवेज खाने वाला शुद्ध देसी नॉनवेजिटेरियन हूँ, तो मटन खाए हुए 5 घंटे से भी अधिक समय हो गया है, जिसकी वजह से मैंने 2 मटन कबाब मंगवा लिए, नान, बियर और टमाटर सलाद। चलो खा के दिखाता हूँ। मटन को आज बहुत अच्छा है। मटन को आप चाहे कहीं पर भी खाओ, किसी भी देश में खाओ, कैसे भी खाओ, ये स्वाद आपको निराश नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा दिन तो बहुत अच्छा बीत गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का दिन भी इस तरह अच्छा बीते। मैं वापस आऊँगा और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, सीख है को सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय हिंद। ये आज का अंतिम गंतव्य कालोन मीनार कहते हैं इसको। कितना शानदार दिखता है रात के अंधेरे में रोशनी के साथ, मज़ा आ गया।